वहीं गुरुवार को एक बार फिर नगरपालिक निगम भिलाई के अमले ने अवैध पोस्टर और होर्डिंग्स के खिलाफ अभियान छेड़ा और शहर की सुंदरता पर दाग लगाने वाले अवैध होर्डिंग्स पोस्टर को ध्वस्त कर जब्ती की कार्यवाही की। भिलाई को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए नगरपालिक निगम भिलाई के द्वारा लगातार शहर भर से अवैध होर्डिंग पोस्टर निकालने का कार्य किया जा रहा है। इसी तारतम्य में सुपेला घड़ी चौक के आसपास के इलाकों में एवं सुपेला चौक से गदा चौक के बीच रोड के बीचों बीच लगे अवैध होर्डिंग और पोस्टर को निकाला गया एवं सुपेला चौक पर बनाए गए 35 फुट ऊंचे गेट से भी अवैध बैनर को निकालने की कार्रवाई की गई। इस बीच अवैध होर्डिंग और बैनर पोस्टर के मालिकों द्वारा निगम टीम से कुछ कहा सुनी भी हुई, परंतु निगम टीम ने यह साफ कर दिया कि शहर की सुंदरता में कोई भी दाग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भिलाई को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने की दिशा में यह कार्रवाइयाँ लगातार जारी रहेंगी। साथ ही आने वाले समय में अवैध रूप से पार्किंग किए गए वाहनों पर भी निगम की गाज गिर सकती है। ये होल्डिंग हटाने का अभियान 1 तारीख से 7 तारीख तक चलेगा और 8 तारीख से 15 तारीख के बीच में जो अवैध रूप से गाड़ी खड़े रख लिए हैं, कबाड़ी गाड़ी है या जो बेचते बाजते हैं, उनको भी हटाया जाएगा। आज सुबेला चौक में 30 फीट ऊंचा करीब 8 बोर्ड हटाए गए हैं और ये हम लोग चंद्रा मोड़ टाकिस तक जाके वापस आके फिर गदा चौक तक से जितना भी होल्डिंग है सब आज हटा देंगे। फिलहाल नगरपालिक निगम के अधिकारियों ने यह साफ कर दिया है कि शहर की सुंदरता को धूमिल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसी कार्रवाइयां लगातार जारी रहेंगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।